हेलो स्टूडेंट न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। उससे पहले एक चीज आप लोगों को दिखानी है, ये देखिए कल की टेक्नो हमारी 30,000 लाइक्स क्रॉस कर लिया। मैंने आपसे सिर्फ इतना बोला था कि हम लाइक टारगेट को बढ़ाने वाले हैं, तो 20,000 लाइक्स मांगा था, लेकिन आपने उम्मीद से ज़्यादा मुझे यहाँ पर दे दिया। 30,000 लाइक्स पहली बार हमारी को टेक्नोस पर इतनी लाइक्स आई है, ये सब आपका प्यार है और इस वजह से इतना मोटिवेट फील होता है और मैं एकदम स्पीचलेस हो जाता हूँ जब आप इतना प्यार बरसाते हैं। अगर ऐसी लाइक्स हमारे टेक्नोस पर डेली आते रहना दोस्तों, देने में भी उतना ही मज़ा आता है। बस आप ऐसी लाइक्स करते रहना, 20-30,000 लाइक्स थोक दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे ही प्यार बनाए रखना। वैसे दोस्तों ओप्पो K3 हमारे पास आया है, मुझे नहीं पता मैं टेक्नोस K3 के पहले दे रहा हूँ K3 के बाद में दे रहा हूँ, क्योंकि 7 बजे ये फोन लॉन्च होने वाला है, तो पता नहीं आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बहुत ही गर्म टेक्नोस लेके आ गया, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक्नोस शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर Xiaomi से, और आज 3 खबरें निकल कर आ रही है Xiaomi की तरफ से। पहली खबर की बात करें तो Xiaomi का जो Redmi Note 7 Pro अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो वीडियो रिकॉर्ड जब आप करते थे और उसमें जो लैग आता था, मैंने अपने रिव्यू में भी बताया था, मैंने Xiaomi को भी 3 महीने पहले से बोल रखा था, तो अब फाइनली उसका अपडेट आया और उन्होंने उसको फिक्स किया। MIUI 10.3.12.0 वाला ये अपडेट है, आप देख सकते हैं उन्होंने उसके अलावा भी परफॉर्मेंस को थोड़ा ऑप्टिमाइज किया है और साथ में गूगल के सिक्योरिटी पैच को भी अपडेट किया, तो ये सारी चीजें किया है Redmi Note 7 Pro के अंदर। तो अगर आपको नहीं पता था तो जाइए अपडेट कर लीजिए और इसका फायदा उठा लीजिए। और लगे तो दोस्तों Xiaomi का जो Black Shark 2 है ये इंडिया में भी लॉन्च हुआ है और मार्च के अंदर जो वो चाइना में लॉन्च हुआ था, इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन वो लोग लॉन्च करने वाले हैं, Black Shark 2 Pro। जी हां, 30 जुलाई को ये चाइना के अंदर लॉन्च होगा, लेकिन इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला प्रोसेसर मिलेगा। सब कुछ सेम होगा, सिर्फ प्रोसेसर वो लोग थोड़ा अपग्रेड करें, क्योंकि अभी रिसेंटली जब ये प्रोसेसर अनाउंस हुआ ना तो काफी सारी कंपनी टूट पड़ी है इसके ऊपर। अब देखते हैं दोस्तों कितना जल्दी आता है, उसके बाद हमें क्या इंडिया में मिलता है, मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन दोस्तों तीसरी तरफ Xiaomi ने चाइना के अंदर अपना एक नया MIGI स्क्रू ड्राइवर जो लॉन्च किया। जी हां, Xiaomi का स्क्रू ड्राइवर भी यहां पर आ चुका है। 1600 रुपए के आसपास इसकी प्राइस है और यह बताया जा रहा है कि 10,000 इसके जो सेट्स है ना वो 56 मिनट्स के अंदर सोल्ड भी हो गए थे जब ये सेल पर गया था। इसमें आपको ये इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है, इसमें आपको 2000 mAh की बैटरी मिलती है और एक बार में ये 180 स्क्रूज को जो वो फिट कर सकता है, हीट रेजिस्टेंट, इंपैक्ट रेजिस्टेंट, वैसे काफी सारे इसमें फीचर्स है और इसका जो मटेरियल है वो भी काफी प्रीमियम है। ये हमें शायद से इंडिया में भी देखने को मिलेगा, क्राउड फंडिंग में ये जाएगा, लेकिन चाइना में Xiaomi ने स्क्रू ड्राइवर भी लेके आ गया। Xiaomi रुकता नहीं है, देखते हैं और क्या कुछ खास लेके आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहां पर दोस्तों जब से जो जियो ने इंडिया में एंट्री किया है, मतलब सितंबर 2016 में ऑफिशियली बात कर रहा हूं, तब से लेके दोस्तों अभी तक जियो ने ना मार्केट में धूम मचा दिया है। डेटा की जो वैल्यू है ना वो हमें जियो ने बताया, इतना चीप किया कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन अगर कोई चीज ज्यादा फेमस हो जाती है ना तो फिर उसके फेक और क्लोन चीजें निकलना शुरू हो जाते हैं। जी हां, प्ले स्टोर के अंदर यहां पर 152 फेक माई जियो एप्स यहां पर मौजूद है जो इंडिया में एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है साइमेंटिक, उन्होंने ढूंढ के यहां पर निकाला है। यहां तक कि जो एप्स है ना वो माई जियो जैसा ही पूरा इंटरफेस आपको देते हैं और इनमें से कुछ एप्स ऐसे जो क्लेम करते हैं कि हम आपको 25 GB की डेटा दिन की फ्री देंगे, कितने लोग तो 125 GB की डेटा यहां पर दे रहे हैं। यहां तक कि दोस्तों जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में 2019 के अंदर 39,000 डिवाइसेस के अंदर ये एप्स इंस्टॉल भी हो चुके, मतलब इतने सारे लोगों को उन्होंने उल्लू बना दिया। अब जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, आप रजिस्टर करते हैं, तो ये आपको 10 ग्रुप में शेयर करने बोलेगा, फला फला चीज करने बोलेगा, जब जाके आपको बोलता है कि हम आपको डेटा देंगे, जबकि वो देते नहीं है। और दूसरे जगह आप जब शेयर करते हैं वो लोग भी रजिस्टर करते तो उनकी भी डिटेल्स उनके पास चले जाती है, ये एक ट्रिक होता है। जी हाँ, ऑफिशियल माई जो ऐप ही इस्तेमाल करना, ऐसा मत करना क्योंकि इससे आपके डेटा ब्रीच का इशू यहां पर निकल सकता है। सोच लीजिए इतने सारे फेक ऐप्स यहां पर निकले। वैसे आपको क्या लगता है इन चीजों के बारे में, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों नोकिया की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और यहां पर दोस्तों आपको अगर नहीं पता है तो पहले यहां पर मैंने आप लोग अपने टेक्नोस में बताया था कि गूगल यहां पर फीचर फोन के लिए डेडिकेटेड एंड्रॉइड ओएस के ऊपर जो वो काम कर रहा है, मतलब फीचर फोन में उनका डेडिकेटेड एंड्रॉइड ओएस होगा जो स्पेशली फीचर फोन के लिए बनेगा। हालांकि काई ओएस तो चल ही रहा है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन गूगल भी अपने खुद के एक लाइट एंड्रॉइड वर्जन पर काम कर रहा है फीचर फोन के लिए। अभी एक लाइव पिक्चर यहां पर निकल कर आई है जो नोकिया के 220 वाले फीचर फोन की तरह ही दिख रहा है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको ये गूगल का टोन डाउन एंड्रॉइड ओएस दिखाई दे रहा है। इसमें यूट्यूब, गूगल क्रोम, होम स्क्रीन पर आपको सब दिख रहा है और साथ में गूगल असिस्टेंट का आपको लोगो भी यहां पर जो वो दिखाई दे रहा है। अब ये बताया जा रहा है दोस्तों कि गूगल एक अपने नए ओएस पर काम कर रहा है जो आपको फीचर फोन्स में यहां पर मिलेंगे, और ये वाला जो फोन है ये
शायद से नोकिया का 220 वाला फोन यहां पर हो सकता है। अब पता नहीं कि गूगल इसको कितना जल्दी लॉन्च करेगा, कौन से फोन के साथ में ये पहले आएगा, क्या पता जियो फोन जो 3 आ रहा है वो आपको इस वाले ओएस के साथ में यहां पर मिल जाए। तो ये लाइव पिक्चर निकल कर आई जो देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। फीचर फोन में भी अभी जान आ जाएगी क्योंकि उसमें भी एंड्रॉइड ओएस आने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपका क्या ख्याल है, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Huawei की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और Huawei भी लाइन में यहां पर जो वो चढ़ गया है। जी हां, इंडिया में दोस्तों Huawei अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जिसमें आपको पॉपअप सेल्फी और फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगी। ग्लोबली तो उन्होंने किया है लेकिन इंडिया का ये पहला स्मार्टफोन होगा जो Redmi K20, Realme X और Oppo K3 जैसे फोन को कम्पीट करने के लिए आएगा और प्राइस बहुत एग्रेसिव होगी, 15,000 से 20,000 के बीच में होगा। अभी रूमर्स ये है कि भाई ये Huawei का Y9 Prime 2019 वाला वेरिएंट होगा जो ग्लोबली लॉन्च हो चुका है Kirin 710 प्रोसेसर के साथ में। अब यही फोन इंडिया में भी आने वाला है। जी हाँ, तो इस महीने की एंड या अगस्त की फर्स्ट वीक में आएगा, उससे रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाने वाला था, उसके लिए स्टे ट्यून करना एक गिव अवे के साथ में। अब देखते दोस्तों आपको क्या लगता है ये कौन सा फोन होगा, क्या प्राइस होगी, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Realme की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और आस्क माधव के अंदर माधव शेठ जी ने बहुत सारे चीजों को जो वो कंफर्म किया है, कुछ कुछ चीजों के बारे में हमें हिंट भी दिया है, मतलब बहुत सारी चीजें यहां पर Realme के साथ में होने वाली है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बैड न्यूज ये कि बताया जा रहा है कि भाई Realme 1 और Realme 2 Pro इसमें शायद से हमें Android Q का अपडेट देखने को नहीं मिल सकता है। और Android Q जो है ना दोस्तों वो 2019 वाले जितने भी जो Realme के फोन है ना उन्हीं में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, पुराने वाले फोन में Android Q मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में उन्होंने अभी नहीं बताया। दूसरी बात ये कि दोस्तों आप लोग को डार्क मोड का सपोर्ट सारे Realme के स्मार्टफोन पर देखने को मिलेगा। और तीसरी बात यहां पर ये निकल कर रहा है कि Realme अपने खुद के एक नए OS पर काम कर रहा है जो क्लोज टू स्टॉक एक्सपीरियंस आपको यहां पर देने वाला है, मतलब जो कलर OS 6 है ना वो उसको यहां पर अभी हटाने वाले हैं और Realme अपना खुद का OS यहां पर लेके आएगा जो आपको एकदम क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देगा। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में भी बताया था लेकिन इंटरेस्ट हमें सबसे ज्यादा इस क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर। अब देखते हैं कि ये कौन सा Realme का OS होगा, कौन से फोन में पहला आएगा, क्या कुछ खास होगा, आएगा मैं आपको जरूर से इसके बारे में भी बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों Honor की तरफ से खबर आ रही है और Honor अपना एक नया स्मार्ट टीवी यहां पर जो वो लॉन्च करने वाला है और सबसे पहले दोस्तों अगस्त के महीने में ये चाइना के अंदर जो वो लॉन्च होने वाला है। अभी अगस्त में Huawei का जो कुछ कॉन्फ्रेंस यहां पर होने वाला है जहां पर वो अपने एक नए OS को जो आर्क OS, हांगमेंग OS या हार्मनी OS ये कुछ बन के आएगा जो लोग वहां पर अनाउंस करेंगे। और Huawei का Mate 30 Pro ये पहला फोन नहीं होगा जिसमें आपको ये आर्क, हांगमेंग या हार्मनी OS मिलेगा बल्कि Honor का स्मार्ट टीवी है इसमें आपको हार्मनी OS मिलेगा, ऐसे यहां पर बातें हो रही है। जी हां, 55 इंच का ये टीवी होगा, थोड़ा सा प्रीमियम होगा और उसमें ये OS चलेगा जो शायद से इंटरेस्टिंग हो सकता है। जी हां, अब ये वैसे चाइना में तो ज्यादा तो लोग टीवी नहीं देखते, वहां पर तो मार्केट गिर रही है लेकिन क्या पता जब ये इंडिया में आएगा तो शायद से इंडिया में इसकी वैल्यू बढ़ जाए। आप देखते हैं दोस्तों अगस्त के महीने में बहुत सारी चीजें Huawei की तरफ से होगी, नया OS अनाउंस करेंगे, स्मार्ट टीवी आएगा, बहुत कुछ आएगा। हमारी नजर गड़ी है हार्मनी OS पर, इसमें क्या खास होता है मैं आपको आएगा तो जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। तो ये दोस्तों इंडिया के अंदर वैसे काफी कमाल की खबर निकल कर आ रही है और हम सभी लोगों को पता है कि एंटरटेनमेंट इतना नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है ना कि हमें तो टीवी की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ हमारे फोन में चलता है जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, हॉटस्टार वगैरह वगैरह। अब एक सर्वे किया गया है जहां पर बताया जा रहा है कि OTT इन सारे ऐप्स को ओवर द टॉप भी बोला जाता है, OTT ऐप्स। अभी 79% इंडिया के अंदर लोगों ने अपने फोन्स में इन तरीके के ऐप्स को इंस्टॉल किया, मतलब हर 5 में से 4 लोगों के पास इस तरीके के ऐप्स उनके फोन में मिले के। लेकिन सबसे ज्यादा ऐप्स लोगों ने इंडिया के अंदर हॉटस्टार को इंस्टॉल किया, ऑलमोस्ट 49% लोगों के फोन में हॉटस्टार यहां पर इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आता है Amazon प्राइम वीडियो 15% और उसके बाद आता है Netflix 13%। नेटफ्लिक्स थोड़ा सा अंडररेटेड है लेकिन वो महंगा भी है इसलिए। तो इंडिया में ज्यादातर लोग हॉटस्टार अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं, मतलब OTT ऐप्स की अगर मैं बात करता हूं। वैसे सर्वे काफी इंटरेस्टिंग है, आपसे पूछना चाहता हूं आप अपने फोन में कौन सा ऐप देखते हैं, OTT से रिगार्डिंग में बात कर रहा हूं, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको बताया कि सैमसंग कंपनी इसका जो लोगो है ना दोस्तों जो अभी आप यहां पर देख रहे हैं ये 1993 के बाद से आया था, सबसे पहला जो लोगो आया था वो 1969 में था, उसके बाद उन्होंने उसको चेंज करके 1980 में एक और रखा था, फिर 1993 से जो अभी आप देख रहे हैं वो लोगो यहां पर सैमसंग ने रखा है। तो आज की टेक न्यूज़ में खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी, अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।